अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमारे आँख में पट्टी बंधी है तो हम तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे, चोर कहीं के। क्या क्या चुराने आए थे तुम? होती है बदतमीजी की, पीछे हटो। स्कैनिंग नौटंकी है ये, दिमाग को कोई स्क्रू ढीला है क्या? तुम्हारे यहाँ कोई दिमाग की बीमारी है? पहली बार देख रहे हैं किसी को अकेले में आंख में चोली खेलते हुए। हे भगवान, शादी को एक दिन ठीक से नहीं हुआ है और इसका नया ड्रामा फिर शुरू हो गया। आंखों पर पट्टी बांध के किसे अंधेरे में रखना चाह रही है? प्रायश्चित कर रहे हैं दादी, उस गलती का जो हमने की नहीं है, मगर जाने अनजाने में उसका हिस्सा जरूर बन गए। और ये रिश्ता चाहे किसी भी हालात में जुड़ा हो, पर अब जुड़ तो गया है। और अब ये पट्टी हम तब तक नहीं उतारेंगे जब तक इस परिवार का हर एक सदस्य हमें अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर लेता। शादी के मंडप में इतना तमाशा खड़ा करने के बावजूद तुम्हारा मन नहीं बना? यहाँ आके सब फिर शुरू हो गई। जिसे आप तमाशा समझ रही हैं माँ, वो हमारा लिया हुआ प्राण है। हर जुड़ते रिश्ते के साथ एक एक गांठ खुलती जाएगी, क्योंकि हमने प्रण लिया है आप सब लोगों को अपना बनाने का। वाह, ये सही है, इस कलयुग में भी गंधारी देखने को मिल गई। इस अंधेपन की आदत तू डाल ले, क्योंकि इस घर में ना तो तुझे कोई अपनाने वाला है और ना ही ये गांठ खुलेगी, समझी? और अगर जो ना बन पाई तो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर अपनी अम्मा का सरदर्द बन जाना, पर इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। बोल, है मंजूर? है मंजूर? जी हमें मंजूर है। तो बेटा पहली गांठ अभी के अभी खोल लो, क्योंकि तुम्हें इस घर में कोई और अपनाए या ना अपनाए, तुम्हारा ये ससुर अभी इसी वक्त से तुम्हें अपनी बहू नहीं अपनी बेटी मानता है। थैंक यू अंकल जी।
अच्छा तो पूछो अपनी रानी बिटिया से कि ब्याह के बाद अपने घर की पहली रसोई वो कैसे बनाएगी। अगर इसे इस घर को अपनाना है तो इस गांधारी मोड में ही इसे अपनी पहली रसोई बनानी पड़ेगी। ये होगी इसकी पहली परीक्षा। कितना भी तू फूक फूक के कदम रख ले, ये चैलेंज तो तू हमसे जीत ना पाएगी। इस घर से तो हम तुझे निकाल कर ही रहेंगे। थार, ये पता नहीं कहां से टपक पड़ा, बेवकूफ। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है, तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। ओ इलेक्ट्रिशियन, क्या ड्रामा लगा रखा है ये? और ये सब नौटंकी छोड़ो, वरना गांधारी बनने के चक्कर में ना गंगा में डुबकी लगाने की नौबत आ जाएगी तुम्हारी। ये छोटे मोटे मुकाबलों से ना कच्चू ना होगा। अगर ये लड़की को घर से निकालना है तो चैलेंज को और मुश्किल बनाना पड़ेगा, तब जाके ये जीत का पीछा छूटेगा। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही है जीजी, इस लड़की को हम अपने जीत की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। वाह कृष्णा, मुलुक रानी का चैलेंज तो तुमने बड़ी बहादुरी से मंजूर कर लिया, तो फिर अकेले खेलो ना चैलेंज। चैलेंज ये नौकरों की मदद क्यों ले रही है? अरे सब काम अकेले करो तो जाने। माफ करिएगा माँ, पर हमारी माई ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम हर काम अकेले भी कर सकते हैं। काका, दीदी, आप लोग जाइए। बहुरानी अकेले आप? अब हमने कहा ना, आप लोग जाइए, हमारी चिंता मत कीजिए, हम कर लेंगे। तुम कितनी भी कोशिश कर लो कृष्णा, जीत को हम कभी तुम्हारा बनने नहीं देंगे। अरे और कितनी देर, बहुत भूख लगी है। अरे खाना कब आएगा माँ, ना टाइम लगा रही है लड़की।
सरस्वती, कितनी देर लगाएगी ये लड़की? पता नहीं माँ, मैं तो देख के आई थी, सब बना रही थी। अब आँख पर पट्टी बांधकर खाना बनाएगी तो नमक मिर्ची कितनी डालेगी क्या पता। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़की बना क्या रही है, इतनी गंदी बदबू। हमें तो खाने में ही डर लग रहा है माँ, पता नहीं क्या कर रही है ये लड़की। माँ, तो बदबू खाने की तो नहीं लग रही हमको। अजीब सी है ना? हाँ, इसकी बदबू तो गैस की आ रही है। हाँ, ये तो चूल्हा भी जल रहा है और पता नहीं ये लड़की कहाँ है। कहीं से कहीं ऐसा तो ना है कि हम गैस का कोनो स्विच ऑफ करना भूल गए हों। सारे स्विच ऑफ कर दिए। आवाज कहाँ से आ रही है? हमने तो सारे बटन ऑफ कर दिए थे। हमसे तो बहुत तेज बदबू आ रही है। हमें लगता है कि रेगुलेटर से गैस लीक हो रही है। इसे निकाल दे। बदबू तो अभी भी आ रही है। दरवाजा कहीं नहीं खुल रहा। क्या हुआ? आप लोग इस तरह से यहाँ क्यों खड़े? तेरी लाडली बेटी ने पूरे घर में गैस रिसाव करके छोड़ा है। लेकिन कृष्णा कहाँ पे? कृष्णा तो कलावती, तू तो कृष्णा को लेकर आने वाली थी ना? कहाँ है कृष्णा? वो किचन में ना आग पे पट्टी बांध के खाना बना रही थी। जी जी, बाहर निकालो हमें यहाँ से। खोलने के लिए थोड़ी ना इतनी मजबूती से लगाए हैं। अब तुम बाहर सिर्फ राख बन के ही आओगी।
कृष्णा तो किचन में, हमें उसे बचाना होगा। रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे, खड़े रहो यहाँ पर। मुलुक रानी जी, इतने भी पत्थर दिल मत बनिए कि इंसान बनने में खौफ होने लगे। मुझे हमारी मदद की जरूरत है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों में भले इंसानियत ना हो लेकिन हमारे अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है। उसे बचाने के लिए हम अकेले ही बहुत है। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी आप रुकिए, हम देखते हैं कृष्णा को। बाबूजी जी, जी रुक जाओ, जी जी हर हर महादेव, हमारे हमारी मदद करिए महादेव। आगे बताओ, बाहर निकलो जी। कृष्णा सिलेंडर छोड़ो। कृष्णा अभी कहाँ, बाहर निकलो जी। अरे हम आते क्यों, अगर तुम्हारी मदद करनी हो तो बाहर निकलो तुम यहाँ से। कृष्णा ये लड़की कर क्या रही है? कृष्णा दो हमें, तुम निकलो यहाँ से, सिलेंडर हमारे बच्चे छोड़ो, तुम निकलो यहाँ से। कृष्णा तुम्हें परिवार की सौगंध है, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो बाहर जाओ यहाँ से। कृष्णा छोड़ो ये सिलेंडर, हम संभाल लेंगे इसे, तुम निकलो यहाँ से बाहर। कृष्णा जी तुम्हारी हमारी जान को खतरा हो जाएगा, तुम दूर हटो यहाँ से, जाओ जी। कृष्णा तुम सुनती क्यों नहीं हो हमारी बातें? नहीं जी, हम तुम्हारे होते हुए, हमारे होते हुए हम इस परिवार को और इस हवेली को कुछ नहीं होने देंगे। हमें इस टंकी को ले जाकर हवेली के बाहर फेंकना होगा। चलो बला टली, सॉरी बला फूटी। कहाँ मर गया था तू? बहू को बचाने के लिए ठीक टाइम पे नहीं आ सकता था क्या? बाबूजी हम तो की साफ सफाई, झाड़ू पोछा ही करती रहोगी? अरे घर में जगराता है, बहुत सारे काम है, पंखों की साफ सफाई भी तो करनी है कि नहीं करनी है? एक काम करो, ये जो पंखा है ना ऊपर, यही से शुरुआत करो तुम। ठीक है? ठीक है। एक दो तीन चार, ये यही होगा पंखा। काम करना ध्यान लगा के, इस बार कोई गलती मत करना वरना कह रहे हैं इसी पंखे से तुमको लटका देंगे हम। ठीक है। हेलो,
और हर बात कि पंखा का नट बोल्ट तो ढीला हो गया है। कौन अनहोनी हो जाए उससे पहले हम इसे ठीक कर देते हैं। हाँ, जल्दी से। अरे हम भी ना तुम ट्यूबलाइट की तरह आए हो। पंखा बंद करना तो भूले गए। पहले बंद करते हैं ऐसे। हाँ बहू गांधारी, आंखों पर तो पट्टी बांध कर ही रखी थी, अब क्या पाँव में भी मेहंदी लगा लिए तो जम के एक ही जगह पे काम कर रही हो? अरे देख क्या रही हो, इतने सारे काम पड़े, चलो बाहर की तरफ भी, वहाँ भी थोड़ा काम कर लो। सासुमा हटिए यहाँ से। क्यों? दे भी नहीं चाहते कि हम अपने लिए प्राण से पीछे हटे। माँ, माँ उठिए। काका, बहुरानी, देखिए, देखिए माँ को क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ बहुरानी? वो पंखा वहाँ से नीचे। आप ये सब करिए, आप जाइए पहले सबको बुला कर लाइए। घर में तो कोई है ही नहीं दीदी, सब काम से बाहर गए। आपके सामने डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, देखिए ना इन्हें बहुत गहरी चोट आई है, प्लीज जल्दी से इनका इलाज शुरू कीजिए। आज इस इलेक्ट्रिशियन ने सारी हदें पार कर दी, बहुत होगी इसकी बचकानी हरकतें। हे महादेव, माँ को कुछ मत होने देना, उनकी रक्षा करना। अरे बड़ा आतंक फैल गया है, तो क्या पता है चंदन नगर में उस जंगली जानवर ने 4 लोगों को मार के खा गया। बाप रे, वन विभाग वाले आए नहीं अब तक पकड़ने का उसे? बहुरानी लाइए दीदी, हम माता जी को हार पहना देते। नहीं दीदी, दादी ने ये जिम्मेदारी हमें दी है, माता रानी को हार हम ही पहनाएंगे। तब तक आप लोग जाइए, जाकर बाकी की तैयारियां कर लीजिए। जी बहुरानी। हाँ टूट गया। माता रानी
कहीं कोनो विघ्न का संकेत तो नहीं? हम विनती करते हैं आपसे कि जगराता सकुशल संपूर्ण करवा दीजिएगा, कोनो विघ्न नहीं आए। जय माता दी। इसे ऐसे जोड़ देते हैं हम। जुड़ गया। आपके आशीर्वाद से ये हार जुड़ गया माता रानी, धन्यवाद। जय माता दी। सुनो, एक बात बताओ हमें, ये आंख पे पट्टी बंधे बंधे देख कैसे लिया तुमने हमें? जब 75 किलो के शरीर पे 100 लीटर परफ्यूम डालोगे तो फिर हमें का हिमालय पे बैठे साधु को भी ना पता चल जाएगा कि तुम आ गए। तुम भी परफ्यूम लगाया करो, वो क्या है ना कि इंसान से खुशबू अच्छी आती है। अब अपना काम करो, हम निकलते हैं। अरे वो परफ्यूम की दुकान, अब जब यहाँ आ ही गए हो तो हमारा एक काम कर दो, मदद चाहिए हमें तुम्हारी। हम तुम्हारी कोई मदद वदद नहीं करेंगे, तुम्हारा काम है तुम करो। अरे हमारे लिए ना सही, माता रानी तो सबकी है ना, अब हमारे लिए नहीं तो माता रानी के लिए तो कर ही सकते हो। तो सीधे सीधे बोलो ना, बेफालतू में माता रानी के नाम पे बातें क्यों घुमा रही हो? बताओ हमें क्या काम है, चलो करते हैं। अब आए ना लाइन पे। अब नहीं नहीं, हमारा मतलब कि हाँ चलो बताते हैं क्या काम है, आ जाओ, आओ मन साथ चलो। अरे तुमने क्यों ले लिया, हम लगा रहे हैं ना। अरे लगा रहे हैं ना, तुमसे नहीं लगेगा, छोड़ो। अरे मगर ये वहाँ से नहीं यहाँ से लगेगा। तुम्हें हमेशा अपनी मर्जी क्यों चलानी होती है, वहाँ से क्यों लगेगा, यहाँ से भी तो लग सकता है। देखो हमने कहा छोड़ो इसे। अरे नहीं छोड़ रहे हम, तुम छोड़ो पहले। हमने कहा यहाँ से लगेगा तो यहीं से लगेगा। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। जब देखो गिरती पड़ती रहती, तो कम में पैदा हुई थी क्या? हड्डियों से प्यार नहीं लगता? तो प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है हमें अपनी हड्डियों से, लेकिन जब तुम आसपास होते हो ना तुम्हारी जिंदगी का बैलेंस जो है गड़बड़ हो जाता है। जो खुद अनबैलेंस होते हैं ना उन्हें दूसरे भी ऐसे ही लगते हैं, तो क्या करें, छोड़ दे तुम्हें अब? नहीं पकड़े रखो। वो क्या है ना कि हमें हमारी हड्डियों से बहुत प्रेम और तुम्हारा हमें पता नहीं, और इतने भारी भरकम सामान को उठाने की बेफालतू की ताकत हमारे अंदर नहीं है। हाँ हमें तो लग ही रहा था कि तुम दिखने में ही बस पहलवान दिखते हो, अंदर से ना एकदम कमजोर हो। क्या कहा तुमने, कमजोर हम? अब कमजोर को कमजोर नहीं तो क्या शेर बोले? हमें फर्क नहीं पड़ता तुम हमारे बारे में क्या सोचती हो क्या बोलती हो। वो क्या है ना कि हमारे जीवन में तुम्हारी इतनी इम्पोर्टेंस है नहीं, और बेटा अब तो तुम शेर को ही बुला लो खुद को पकड़ने के लिए। हमारा पीछा छोड़। देखो जीत हमारी बात सुनो, देखो माता रानी के लिए तुम हमारी मदद तो कर ही सकते हो ना, अब स्टूल पे तो हम स्लिप होके गिर जाएंगे बार बार, कैसे लगाएंगे हम? एक काम करो तुम ना हमें गोद में उठाओ, फिर हम चढ़ के लगा देते हैं। अरे हाँ सच कह रहे हैं हम, देखो मेहमान आने वाले हैं, बहुत सारा काम बाकी है। हाँ ठीक है ठीक है, और सुनो तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हम, माता रानी के लिए कर रहे हैं।
थैंक यू की जरूरत नहीं है तुम्हारे। चलो कोई मायावी हो क्या? और कैसे पता तुम्हें हम घूर रहे हैं तुम्हें? हमें ना चोरी पकड़ने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, एहसास हो जाता है हमें कि कौन टकटकी लगा के देख रहा है और कौन नहीं। हसीन यही तुम्हारे इस मजाक का और इस गलत फहमी में तरह ना कि हम तुम्हें देखते हैं। अब चलो यहाँ से निकलो, चलो। अरे हाँ हाँ चलो, हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें घूरने का, चलो। अरे छोड़ो हमें, चल लेंगे हम खुद। इलेक्ट्रिशियन का गुस्सा हम माता रानी के जगराते पे क्यों निकाले? जानते हैं हमारी मर्जी से हमारा ब्याह हुआ नहीं और उसके कारण माता रानी के जगराते में ना जाना ये हमें सही नहीं लगता। माता रानी की आरती तो हम अटेंड कर ही सकते हैं, छह माता की, आवाज कहां से आ रही है? बचाओ! कृष्णा की आवाज। कोई है? कोई है? कृष्णा! कृष्णा तुम ठीक हो? कृष्णा बचाओ जीत, बचाओ।
ठीक हो तुम? कैसे आई तुम यहाँ पर? पता नहीं, नहीं जानती। पता नहीं मतलब कैसे नहीं पता कृष्णा, उस दिन तुम ढोल में और आज इस कमरे में ऐसे बंद, वो क्या रहा तुम्हारे सच्ची उनमें, चल क्या रहा है कृष्णा, बताओ हमें। हम नहीं जानते जी, लेकिन लेकिन यहाँ ना घर घर में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। हमें पता लगाना होगा कि ये सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। वो जो आपने आई है ना जगराते में, हमें ना उन पर सुलू सही सकता। अरे भला क्या करेंगे, वो बेचारी जगराता करने आई है। वो सब छोड़ो, हमें बस ये पता है कि हमें लगता है कि घर वाले सब मुसीबत में है। तुम चलो हमारे साथ। शांत हो जाओ, कोई मुसीबत नहीं है। तुम चलो हमारे साथ। आप सब लोग बैठ जाइए, अभी हवन शुरू होगा। जी पंडित जी। हवन शुरू होने को है और ये लड़की का अभी तक पता नहीं कहाँ चली गई है ये। जी मुझे पता है, कृष्णा ने बताया था बैठ नहीं पाती है, कुर्सी लेके आओ अम्मा जी के। जी अरे पंडित जी, कहाँ डाल दिया हवन कुंड में, आंखें ही नहीं खुल रही है, इतना धुआं हो गया है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मेरे रास्ते में आने की कोशिश की ना तो एक एक को यहीं पर लिटा देंगे, समझे? मारो रे, घेर लो इन्हें।
हमारे और गौरी के बीच फिर से आ गए ये मनुष्य। आज तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। और गोली ये गोली कहाँ से चली? जीत, क्या हुआ बेटा? जीत, 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 क्या हुआ तुम्हें? ठीक है कृष्णा। जीत, खूब एक काम ढंग से नहीं हुआ तुझसे। ये क्या हो गया हमसे, हमारे जीत को? तुम ठीक हो ना? गोली कैसे लगी जीत? गोली लग गई तुम्हें? गोली गोली कैसे लगी? कितना खून बह रहा है? क्या करें हम? तो क्या करें हम? क्या करें? ठीक है कृष्णा, तुम जाओ यहाँ से, सब मुसीबत में उनको सेव लेके जाओ कृष्णा, प्लीज जाओ कृष्णा। दूसरों का ध्यान रखते रहते खुद का ध्यान रखना मत भूल। हमें शक्ति दो माता रानी, इस परिवार के सुख और शांति के लिए आपके नाम का जगराता रखा था, मुहूर्त पे ये आरती करवा के हमें आशीर्वाद दो माता रानी, हमारे परिवार को आशीर्वाद दो।
अरे मुल्क, इसलिए बुलाया था कि तूने हमको यहाँ हमारी पोती की जान खतरे में डाल दी तूने। हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। माता आ गई, साक्षात माता आ गई। भागो। जिस तरह आज आपने हमारे परिवार की रक्षा की है, वैसे ही हमेशा अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखना माता रानी। और आज आज आपके इस वाहक का हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीत, चलो चलो। जीत, तू ठीक है ना? जीत, जीत, चल, जीत, तू ठीक है ना बेटा? हाँ, जीत, जीत, तुम ठीक हो ना? हम ठीक हैं बाबूजी। बेटा, कृष्णा, बेटा, तू ठीक है ना? हाँ दादी, हम ठीक हैं। जीत, और एक बार डॉक्टर को फोन लगाएगा कि नहीं? बहुत खून बह गया है। जीत, जीत, तू ठीक है? ठीक है हम चाचा जी। फोन किया हमने। बाहर मौसम बहुत खराब है, एम्बुलेंस आते आते बहुत देर हो जाएगी, हमें कुछ करना होगा। अरे सुकांत भैया, और कोई तो उपाय होगा ना? जीत की तबीयत बिगड़ती जा रही है, हमें कुछ तो करना होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा जीत को, हम है ना, हम रखेंगे इसका ख्याल। अच्छा अच्छा, हाँ तो तूने MBBS भी कर रखा है। बड़ी अजीब है, तूने ये बात तो हमें बताई नहीं। हाँ, कि तूने स्पेशल MBBS कर रखा है, जहाँ पे ये बताया जाता है कि आँख में पट्टी बांध के कैसे इलाज होता है। जी जी। दादी, बड़ी बड़ी दलीलें नहीं दे रहे, लेकिन लेकिन अगर हमने इस परिवार की रक्षा की है, ये परिवार को अपना बनाने के लिए जो भी किया, अगर वो सही था तो बस बस हमें एक मौका दे दीजिए जीत को वापस लाने का, उसे ठीक करने का। महादेव की सौगंध, अगर अगर हम जीत को ठीक नहीं कर पाए ना, तो हम अपनी दादी की कृष्णा नहीं। तेरे ये खोखले दावों का क्या आचार डाले हम? ऐसा क्या करने वाली है तू? मुलुक रानी जी, देखिए, जीत की खातिर इसे अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए। अगर कृष्णा बंद आंखों से इतना कुछ कर सकती है, तो खुली आंखों से क्या नहीं कर सकती? हम इस पर पूरा विश्वास है, सब संभाल लेगी। हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, मान जाइए। मान जाइए ना माँ, उसकी हालत देखिए कितनी बिगड़ रही है। जीत, महादेव के आशीर्वाद से हमने ही परिवार का विश्वास तो जीत लिया, पर अब जल्दी ही हम सबके दिलों में भी बस जाएंगे और गौरी को भी ढूंढ निकालेंगे। देखिए नथ सोमवार से रविवार रात 8 बजे
दंगल प्ले ऐप पर।